नमस्ते साथियों, एक बार फिर से मैं मंगेश हूँ आप सब लोगों के बीच में। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज हमारे बीच साइमन बाबा भी हैं और साथ साथ हमारे अग्रजक बनन साहब भी उपस्थित हैं। और चूंकि हम सब मिलकर पानी में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें जो लगता है कि जो रांची की परिस्थिति होने वाली है, शायद पानी को एक फ़ोटो के रूप में ही हम लोग देख सकते हैं। तो इसी दौरान साइमन बाबा से आज हम लोगों की काफ़ी देर बातचीत हुई और साइमन बाबा को संदेश देना चाहते हैं आप सबके लिए, पूरे झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो साइमन बाबा, आप कुछ बताएं पानी को लेकर के, जो अभी जो समस्या जो चल रहा है इस पे, और कितना काम करना बाकी है, लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, सबसे पहले जनता को एक साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं तो कतनों कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम तो कहेंगे कि हर गांव परिवार ने भी 5 मिनट से 10 मिनट बैठना चाहिए और गांव ने 1 घंटा से 3 घंटा तक हर विधि बैठना चाहिए। और गांव का कैसा कैसा जरूरत लगी ऐसा ऐसा करना चाहिए। इसलिए पानी जमीन से 30 फीट 35 फीट 40 फीट नीचे उतर गया से चलते अभी पानी बहुत दिक्कत हो रहा है। नीचे का पानी नीचे रह रहा है और ऊपर करके जब तक अपना साथी को पानी ऊपर से नहीं खोजेगा तो पानी तो संतोष नहीं मिलेगा पानी को। इसलिए कर से करीब हर जगह जहाँ नाली है तो 3000 फीट में बांध बनना चाहिए। और कहाँ जल का जगह है तहाँ तालाब डोभा बांध बनना चाहिए और अच्छा से बरखा पानी के एक साथ जोड़ना चाहिए। और सबसे गांव को एक साथ एक सामूहिक काम करवाना, सामूहिक बात विचार करना और एक साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं, हम जो किए हैं तो करते करीब हमारे से 3000-4000 आदमी एक साथ साथ किया और हम 45 फीट बांधे हैं और 45 फीट ने एक तरफ 5500 फीट नार कोड़े हैं और एक तरफ 3500 कोड़े हैं और एक तरफ 4500 नार कोड़े हैं। और सबकर मिल जुल के अभी तक हम करके करीब 20 साल से पहले झरना पानी के जानते थे, अभी झरना पानी खत्म हो गया और बरखा भी खत्म। 4 महीना बरखा तो 4 महीना ठंडा तो 4 महीना गर्मी। और फिर से करीब अभी बरखा पानी छोड़ के 40 दिन भी पानी नहीं आ रहा है महीने 4 महीने के अंदर में। तो सेले पानी नीचे सोता उतर गया और उसको भेंट करने के लिए बरखा पानी को टाइम लग रहा है, अब भेंट करने नहीं सक रहा है। इसलिए मनुष्य के भी तकलीफ होगा, जीवा जंतु के भी, गाछ वृक्ष के सबको तकलीफ हो रहा है। इसलिए सारा जनता को एक साथ मिल के हर चीज़ को एक साथ करना चाहिए और जितना पेड़ लगाना चाहिए कर से करीब डूंबर हुआ, बार हुआ, पीपर हुआ, तीसरी पीपर हुआ, जितिया पीपर हुआ, सारा चीज का लगाना चाहिए। और कर से करीब जंगल झाड़ साल को भी लगाना चाहिए कि पानी का स्वता के सामने लाएगा। इसलिए हम तो सबसे पहले कहेंगे कि सबके एक हुए पड़ते हैं। हाँ, जब तक हम एक हुए तभी ना उतना बड़ा 3000 आदमी जुटे 45 दिन सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे, खाली संगठन से अपना विकास लेते तो हमने संगठन बनाएंगे, छोटा छोटा काम को करना। तो बाबा का ये कहना है, डिपेंड मत रहिए, एकजुट होइए, धर्म जाति भाषा विशेष से ऊपर उठ के पानी का संरक्षण कीजिए और इमीडिएट कीजिए, क्योंकि कल से शायद पानी ना मिले। और वंस अगेन आई अपील टू ऑल ऑफ यू, डू सपोर्ट आवर मूवमेंट, वी रियली नीड यू फ्रेंड्स, वी रियली नीड यू इंडिया, वी रियली नीड यू वर्ल्ड। थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट्स मी शशांक, ऑफकोर्स इट्स मी मंगेश एंड शशांक, साइमन बाबा एंड ऑल ऑफ अस ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच, जोहार, नमस्ते, जय झारखंड, जय हिंद।